तो भाई क्या हाल है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। तो भाई साहब आज की वीडियो पे बात करने वाले हैं क्यों एन ए वीडियो के बारे में। देखिए वैसे मैं क्यों एन ए वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन भाई साहब आपके बहुत सारे कमेंट आते थे मेरे को रेगुलर बेसिस पर, बल्कि एक एक बंदा इतने कमेंट करता था मैं उसका जवाब दे नहीं पाता था और कभी मैंने दिया नहीं। आई थिंक एक ही एपिसोड बनाया था मैंने क्यों नहीं वीडियो का, और आपने पसंद किया था उसको, बहुत पहले आया था 3-4 महीने पहले। सो आज ये एपिसोड नंबर 2 बनाने की सोचा, छोटी सी वीडियो होने वाली है, मज़ा बहुत आएगा। आपके सवाल उठाऊंगा मैं, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। तो भाई साहब आपके कुछ सवाल मैंने पिक किए हैं जिनके सवाल हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाइयों जिनका नंबर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं यार, आपके सवाल अगली वीडियो में उठा लूंगा। तब तक के लिए भाई कमेंट कीजिए जो आपने पूछना है मेरे से, डबड़ी कंपनी के बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में पूछिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका भाई आपका जवाब देगा। तो भाई सब्सक्राइब करें द गल्टो रेसलिंग, पूरी वीडियो को देखना। सबसे पहला सवाल उठाते हैं भाई साहब हम, ये यूजर माइनस WF5KQ4VS1C, ये भाई पूछते हैं कि आई लव कोडी रोड्स, एक्चुअली बताते हैं ये आई लव कोडी रोड्स एंड लॉन्गेस्ट रोइंग एंड डिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑफ 2 ईयर्स WWE 2026, आई विल सपोर्ट कोडी रोड्स ऑफ WWE फ्यूचर एंड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड। इनके और भी सवाल है, आई लाइक रोमन रेंग्स बिग डो करेक्टर WWE, आई हेट रोमन रेंग्स ट्राइबल चीफ, वेरी चीटिंग विन अगेंस्ट एवरीवन, दो आर चोबी प्रो प्लीज, आई नॉट वांट टू अलेक्सा प्लीज, आई ज्वाइंड अंकल हाउडी ऑफ वायर्ड सिक्स फैमिली, आई विल नॉट सी अलेक्सा प्लीज मैच ऑफ वायर्ड सिक्स फैमिली विद अंकल हाउडी ऑफ WWE फ्यूचर एंड अंकल हाउडी विल वेस्टेड अलेक्सा प्लीज करियर ऑफ WWE फ्यूचर 2024। तो भाई साहब इनका जो नाम है वो है प्रदीप सिंघा। तो ये बहुत सारे सवाल पूछते हैं मेरे से एंड बस इनका ये मेरे को जवाब देते हैं, एक्चुअली वीडियो बनाता हूँ मैं, जवाब देते हैं भाई बताते हैं। तो भाई साहब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ यार, आपका फेवरेट सुपरस्टार कोई है आप उसको पसंद कीजिए, लेकिन आप ये मत कहिए रोमन रेंग्स इज़ डिजास्टर, रोमन रेंग्स इज़ अ फ्लॉप। या रोमन इज़ फ्लॉप नहीं है, रोमन रेंग्स के कैरेक्टर शुरू में कुछ इस तरह बनाए गए थे जिसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ, जैसे कि बिग डॉग वाला कैरेक्टर बहुत अमेजिंग था, मेरा फेवरेट था, लेकिन फैंस ने उनको बू कर दिया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो एक कॉन्ट्रोवर्सी से फैला दी बिग डॉग के कैरेक्टर के ऊपर कि भाई साहब इसको बू दी जाती है जिस वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते। तो माई ओपिनियन रोमन रेंग्स इज़ अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इज़ अ गोट। अगर आपको रोमन रेंग्स पसंद नहीं है वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको कोई सुपरस्टार पसंद है कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन आप मेरे से रोमन रेंग्स के बारे में बात कर रहे थे कि रोमन रेंग्स का बिग डॉग वाला कैरेक्टर का वापस आएगा, तो भाई बहुत जल्दी आने वाला है। बिग डॉग वाला कैरेक्टर की गारंटी मैं नहीं लूंगा, लेकिन हाँ रोमन रेंग्स का जो है फेस टर्न हो चुका है और रोमन रेंग्स का फेस टर्न आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई सवाल के लिए, इसी तरीके से आप सवाल पूछते रहिए, हमारी वीडियो को एंजॉय करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला सवाल है दोस्तों रंजय सिंह का, ये पूछते हैं भाई जॉन सिना का लास्ट मैच कब होगा। वो यार जॉन सिना का लास्ट मैच होगा रेसलमेनिया 41 में, जी हाँ रेसलमेनिया 41 में आपको क्लियर कट जॉन सिना का एज अ लास्ट मैच देखने को मिलने वाला है। अब वो किसके अगेंस्ट होगा वो तभी पता चलेगा, लेकिन हाँ लोगन पॉल के चांसेस हैं कि वो जॉन सिना के अगेंस्ट US टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ इस साल जॉन सिना का मैच नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर जॉन सिना का मैच रेसलमेनिया 41 में आई थिंक एज अ लास्ट मैच होगा, करियर वर्सेस करियर ऐसा कुछ होगा। सो ये चीज़ है। सो अगला सवाल है उदय जी का, ये पूछते हैं कोडी रोड्स कब तक चैंपियन रहेगा। भाई कोडी रोड्स कब तक चैंपियन रहेगा यार, अभी देखिए कोडी रोड्स की रिंग शुरू हुई है और ऐसे चैंपियन को उसने हराया, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को रोमन रेंस को उसने हराया है, और रोमन रेंस की जो टाइटल रिंग थी 1300 से ज़्यादा दिनों की थी, यानी लगभग 3.5-4 साल तक। तो अब कोडी रोड्स इतनी लंबी रेंग को खींच पाएगा या नहीं, कामयाब होगा या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊं कोडी रोड्स की रेंग कब तक चलेगी भाई साहब, नेक्स्ट ईयर तक तो चलेगी भाई। रेसलमेनिया 41 तक तो आप मान लीजिए कोडी रोड्स को कोई नहीं हरा पाएगा, और रेसलमेनिया 41 में भी कोडी रोड्स अपना टाइटल रिटेन कर लेगा, उसके बाद पता नहीं भाई कब तक चलने वाली है। सो ये सवाल था। अगला सवाल है भाई विशाल जी का, ये पूछते हैं कि इलेक्शन 2024 कौन जीतेगा। यार क्या सवाल पूछ लिया आपने। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम भी देश में रहते हैं तो आपके सवाल का जवाब देंगे विशाल भाई। इलेक्शन 2024 कौन जीतेगा भाई, ये तो मैं नहीं कह सकता, ना मैं कुछ इस पर कमेंट करना चाहूँगा, कोई आप सबको पता है आजकल का टाइम कैसा है। बस यही कहना चाहूँगा भाई जनता जाग जाओ और समझ जाओ, बस जाग जाओ भाई। अगले सवाल का जवाब देता हूँ भाई, ये है आरती जी का, ये आरती चोपड़ा सॉरी यार, ये अब आप मेल हो फीमेल हो आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आरती चोपड़ा बोलूँगा। ये पूछते हैं कि ब्रॉक लेसनर का भाई कंफर्म रिटर्न कब होगा। तो ब्रॉक लेसनर का कंफर्म रिटर्न भाई साहब मैं आपको कन्फर्म बताऊँ, इस साल ब्रॉक लेसनर आपको समर स्लैम में कन्फर्म मैच लड़ते हुए देखने को मिलने वाले, ये बात क्लियर कट बोल रहा हूँ। ब्रॉक लेसनर इस साल समर स्लैम में होंगे, ये बात मैं आपको क्लियर कट कन्फर्म बता रहा हूँ, डैट फॉर श्योर।
अब आखिरी सवाल दोस्तों मैं लूंगा यहाँ पे, और इसके बाद दोस्तों वीडियो खत्म करूंगा, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लंबी वीडियो देखते नहीं है। अगली वीडियो में अगले सवाल लूंगा, ये है आयुष जी का, ये आयुष @45, ये पूछते हैं कि भाई रो नेटफ्लिक्स पर जाएगी तब पीजी एरा खत्म होगी या ब्लड मैच होगा। तो भाई ये पूछते हैं कि आयुष जी, आपको बताना चाहता हूँ, देखिए रो नेटफ्लिक्स पर अगले साल जनवरी में चली जाएगी, और उसके बाद आपको जो है, अब मुझे नहीं पता उस वक्त क्या होने वाला, बिकॉज जिस तरह से आज आप 10-1 पर देखते हैं 10 स्पोर्ट पर इंडिया में, उस समय आएगा या नहीं 10-1 पर कंफर्म नहीं है, लाइव हो या नहीं कंफर्म नहीं, बिकॉज नेटफ्लिक्स अपना सब्सक्रिप्शन होल्ड करता है आपको पता है, और नेटफ्लिक्स पर विदाउट ऐड आएगी रो, मंडे नाइट रो आपको पता ही है, तो स्ट्रीमिंग सर्विस पर नेटफ्लिक्स आ जाएगी, सॉरी रो आ जाएगी, तो वहाँ पर तो क्लियर कट बात है कि भाई साहब कोई एडवर्टाइजिंग का चक्कर नहीं है, कोई भी मतलब एक तरह से लगाया जाए इलीगल लीगल कोई चक्कर पड़ेगा नहीं, आप कुछ भी दिखाइए, इवन आप एटीट्यूड एरा में जिस तरह की चीज़ें देखते थे उस वक्त की चीज़ें भी प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर ये है भाई आयुष भाई कि यहाँ पर ट्रिपल एच की एरा, और ट्रिपल एच की एरा आपको पता है भाई साहब एकदम साफ सुथरी एरा, यहाँ पर कोई किसिंग सीन नहीं होता, कोई मतलब गंदी बातें नहीं होती है, इलीगल बातें नहीं होती है। और हाँ, अगर आपने बात की ब्लड मैचेस की, तो थी रोक और कोडी रोड के सेगमेंट आपको पता है ब्लड मैच हुआ था, वो ब्लड हो गया था, तो लेकिन वो रसल मीने की हाइप के लिए हुआ था, लेकिन मंडे नाइट रो पर ये चीज़ें रिवील करना, वो भी ट्रिपल एच की एरा में, बिकॉज ट्रिपल एच ने खुद का ये न्यू एरा है। सो मेरे ओपिनियन से डब्ल्यू कंपनी में और AEW कंपनी में यही फ़र्क है कि AEW कंपनी एक तरह से AEW कंपनी रेसलिंग दिखाती है, उसको सिर्फ रेसलिंग दिखानी है, वो कुछ भी गंदमंद प्रेजेंट करती है, जिस वजह से उनकी प्रेजेंट इतनी अच्छी नहीं है, फैंस उनको इतना पसंद नहीं करते आपको पता ही है। लेकिन अगर बात करें डब्ल्यू कंपनी की, डब्ल्यू कंपनी को भाई बच्चे तक में फेमस है वो कंपनी, बच्चे तक उसको देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक 10 साल से बच्चे के लेके 80 साल तक के बुजुर्ग उस डब्ल्यू कंपनी के शोज़ को देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड मैच दिखाना, इलीगल बातें करना, किसी ये सब मतलब मैच्योरिटी वगैरह दिखाना, एडल्ट चीज़ें दिखाना, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता ये चीज़ें टीवी 18 एरा में मतलब होंगी नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन भाई, नेटफ्लिक्स पर जब भी मंडे नाइट रो जाने वाला है आपको सेम प्रेजेंटेशन देने को मिलने वाली है। हाँ, ब्लड मैच हो सकते हैं, लेकिन वो मतलब लगा लो एक तरह से देखा जाए तो कैजुअली हो गया, रेगुलर आप हर हफ्ते मंडे नाइट रो पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि भाई कोई ब्लड मैच होगा, फर्स्ट ब्लड मैच होगा, हार्डकोर मैच होगा, सर पे चेयर ही मारी जाएगी, भाई ऐसा नहीं होने वाला, आपको पता है वो गंदी चीज़ें होती हैं, उसमें सुपरस्टार इंजर्ड हो जाता है, पहले के समय में चलती थी लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता, तो आज के समय में बहुत प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, उसके बाद ही सुपरस्टार रिंग में परफॉर्म करते हैं। सो टीवी पीजी एरा के जाने के बाद, नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद कोई चेंज नहीं होने वाला, सेम आपको जैसे रो देखने को मिलती है तब भी देखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि मंडे नाइट रो जिस तरह से अब 3 घंटे ही देखने को मिलती है, उसमें से 1 घंटे की एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर जब भी जाएगी तो 2 घंटे की रह जाएगी, आपको बताइए भाई। सो उम्मीद है आयुष जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो बहुत दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवालों के लिए, अगर आपके सवाल मैं ना उठाए हो बीच में आप कहीं हो गए तो भाई आप माफ़ करना, लेकिन अगली वीडियो में आपके सवाल उठाऊंगा, तब तक के लिए भाई कॉमेंट करें, बेफिक्र हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, एंड सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। सी यू टुमारो गाइस।